वृश्चिक राशि वालों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आने वाले 10 दिन तक हो जाइए सावधान। तीनों लोकों से आ गया बड़ा आदेश, अब आपका एक एक सपना सच होगा। जी हाँ वृश्चिक राशि वालों, हम आप सभी को बता दें, वो कहते हैं ना, मनुष्य के जीवन में खुशियाँ आती जाती रहती है। कभी उन्हें धन दौलत की प्राप्ति होती है तो कभी उन्हें कई प्रकार के मुसीबतों से, कई प्रकार के संकटों का सामना करना पड़ता है। जी हाँ वृश्चिक राशि वालों, यूं कहें तो हमारे जीवन में सुख दुख का आना जाना लगा रहता है। दोस्तों, आप सभी को बताना चाहेंगे, ऐसे में आने वाले 10 दिन का जो समय है, ग्रह गोचर कुछ इस प्रकार बन रही है, जो कि वृश्चिक राशि वालों, आप सभी के लिए कई प्रकार के शुभ संकेत लेकर आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बताना चाहेंगे, तीनों लोकों में हड़कंप मच चुका है, अब होगा भाग्य का असली खेल शुरू। जी हाँ वृश्चिक राशि वालों, क्योंकि दोस्तों भाग्य के जो देवता है, उनके द्वारा हमें कई प्रकार के ऐसे ऐसे शुभ संदेश मिल चुके हैं। न्याय के देवता भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से अब आप सभी के जीवन काल में बहुत ही शुभ स्थिति का निर्माण हो रही है। वृश्चिक राशि वालों, आप सभी को बता दें, जो कि आने वाला 10 दिनों में आपका हर एक सपना सच होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज की यह वीडियो का जो निर्माण हुआ है, पंचांग गणना के साथ साथ पूरी कुंडली विश्लेषण करने के बाद किया गया है। इसमें हम आप सभी को बताएंगे नौकरी, व्यापार, लेन देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध, सेहत व आपके साथ होने वाली सभी छोटी बड़ी घटनाओं की विस्तृत जानकारी। इसमें दोस्तों वीडियो को अगर आप थोड़ा सा भी मिस करेंगे या स्किप करेंगे तो आप जानकारियों को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे, जिसमें आपका ही नुकसान होगा। इसलिए दोस्तों वीडियो को थोड़ा सा भी मिस ना करें और इसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले जो भगवान शनिदेव के सच्चे भक्त हैं, वीडियो को लाइक करें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जय शनिदेव जरूर लिखें। भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से आपके सारे दुश्मनों का अंत होंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं भगवान श्री कृष्ण के एक सुंदर अनमोल विचार के साथ। देखिए दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, माना कि एक मिनट में जिंदगी नहीं बदलती है, मगर एक मिनट में सोच कर लिया गया फैसला पूरी जिंदगी बदल सकती है। जो आसानी से मिल जाता है वह हमेशा तक नहीं चलता है, और जो हमेशा तक चलता है, याद रखना, वो आसानी से नहीं मिलती है। अगर आप अपने जीवन में कुछ पाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं, तो समझ लीजिए वो लाखों में नहीं, करोड़ों में एक है। दोस्तों, बात अगर आपको समझ आई होंगी और इनको समझ पाए हैं तो वीडियो को लाइक करें और सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में लिखें राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हो कन्हैया लाल की। आइए दोस्तों बात करते हैं आने वाले अगले 10 दिनों की। सामाजिक अथवा सोसाइटी संबंधी मीटिंग में आपका विशेष योगदान रहेगा तथा आपके द्वारा रखे गए पक्ष में सराहना मिलेगी। किसी नई जानकारी को सीखने में भी आपका समय व्यतीत होगा, लेकिन आपको उसमें काफी लाभ होगा। संतान की तरफ से भी कोई शुभ समाचार सुनने को मिल सकता है। वहीं दोस्तों, अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो यह समय दूसरों के मामलों में दखल अंदाजी करने से आपके मान सम्मान पर भी बात आ सकती है, और इसका नकारात्मक प्रभाव आपकी कार्य क्षमता पर भी पड़ सकता है। कोई भी निर्णय जल्दबाजी और भावुकता में लेने से अभी आपको बचना होगा, अन्यथा परेशानी आपके लिए अभी बढ़ सकता है। इसके उपरांत कुछ समय अपने मनोकूल कार्यों में समय व्यतीत करने से अपने दिनचर्या में सकारात्मक बदलाव महसूस करेंगे। आध्यात्मिक से जुड़े विषयों में आपकी विशेष रुचि रहेगी, अतः जो है पैतृक संपत्ति संबंधित कोई दिक्कत है तो किसी मध्यस्थता से सुलझा सकती हैं, जो कि आपका सुलझ सकता है। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे आपको बताना चाहेंगे, आप अपने कार्य करने की प्रणाली में जो आपने परिवर्तन किया है उसे सुनिश्चित अच्छी खबर भी आपको मिल सकती है। इसके उपरांत अनुभवी लोगों की सलाह व मार्गदर्शन पर भी अवश्य अमल करें। विद्यार्थी, अपनी पढ़ाई पर ध्यान फोकस रखें, आपके लिए उचित रहेगा।
भाइयों तथा रिश्तेदारों के साथ संबंध को मजबूत बनाकर रखने में आपकी भूमिका महत्व रहेगी। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, इस समय किसी भी तरह की यात्रा करना तनावपूर्ण रह सकता है। रुपये पैसे से संबंधित लेन देन के मामले में अभी आपको सावधानी बरतना होगा। खासकर अगर आप अपनों से लेन देन कर रहे हैं तो इस समय आपको अधिक से अधिक सतर्कता बरतनी होगी, अन्यथा वाद विवाद खड़ी हो सकती है। देखिए, आपको बताना चाहेंगे, रुकी हुई गतिविधियों में पुनः जागृत करने का अनुकूल समय है। घर की रख रखाव और नवीकरण संबंधित योजनाओं को आप बचाने में समय व्यतीत होगा। किसी देखिए विशिष्ट कार्य को पूरा करने में आपकी मेहनत काफी ज्यादा कामयाब रहेगी और किसी पड़ोसी के साथ बात विवाद मसलों में भी आपका किसी भी प्रकार की कहा सुनी की स्थिति बन सकती है, और इसलिए अपनी वाणी और गुस्से पर काबू बनाकर रखना आपके लिए बेहद जरूरी है। युवा वर्ग व्यर्थ की गतिविधियों में समय को व्यर्थ ना करें, अन्यथा कोई लक्ष्य आपके हाथ से निकल सकता है। इस समय अगर कोई मौका, कोई अवसर आपके हाथ आता है तो उसे आप झट से अमल करने की कोशिश करें तो अभी आपके लिए बेहतर रहेगा। वहीं दोस्तों, अगर आपकी व्यवसाय को लेकर बात करें तो यह समय व्यवसाय में नया काम शुरू करने में आपको जो है काफ़ी लाभ हो सकता है। इसलिए बेहतर होगा किसी भी प्रकार की जो नया काम है उसे आप शुरू कर दें तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके उपरांत व्यवसायिक कार्य प्रणाली में बदलाव होगा और ये आपके लिए बेहतर परिणाम लेकर आ सकता है। प्रतिद्वंदियों की गतिविधियों को अभी आप नज़रअंदाज करने से बचिएगा। ऑफिस में चल रही नकारात्मक गतिविधियों में खुद को दूर रखने का प्रयास करें, ये आपके लिए बेहतर रहेगा। और इस समय कारोबारी उचित व्यस्तता बनी रहेगी और मशीन परामर्श आदि से व्यवसायों में बेहतरीन मुनाफा होने की संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही है। अगर कोई व्यापारी कपड़े या फिर लोहे आभूषण का कर रहे हैं तो उसमें काफ़ी लाभ होने की संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही है। विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षा में जो है उत्तीर्ण होने से नियुक्ति भी प्राप्त हो सकती है। नौकरी में भी काफ़ी किसी खास उपलब्धि की संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही है। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, आपके कैरियर बिजनेस के लिए जो समय होंगे, यह समय देखिए व्यस्तता वाला कार्य रहेगा। बिजनेस करने वालों के साथ मीटिंग के साथ नकारात्मक नतीजे हासिल हो सकती हैं। आपको बताना चाहेंगे, नौकरी पैसा लोग फाइनेंस से जुड़े मामलों को अधिक से अधिक सावधानी बरतने की कोशिश करें। हालांकि टारगेट हासिल करने के लिए समय बहुत अच्छा है, आपको थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करना होगा। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे, यह समय परिवार तथा मनोरंजन और हास परिहास के लिए भी समय काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है और उसमें आपको समय देना होगा तथा घर का माहौल सुखद बना रहेगा। एक दूसरे की भावनाओं को समझने का प्रयास करें, ये अभी आपके लिए उचित रहेगा। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, आपको बताना चाहेंगे, घर तथा व्यवसाय दोनों जगह संतुलन बना रहेगा और आप जो है अपना कुछ समय माता पिता के साथ, बच्चों के साथ व्यतीत करेंगे और इससे आपको काफ़ी मानसिक शांति मिलेगी। वहीं दोस्तों, अगर आपकी हेल्थ को लेकर बात करें तो यह समय अत्यधिक दिमागी कार्य की वजह से सिरदर्द, माइग्रेन की समस्या बढ़ सकती है। ज़्यादातर आँखों पर जोर ना दें, अन्यथा जो है आपका सेहत भी खराब हो सकता है। इस बात का अभी आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए और खुद को समय देना आपके लिए उचित रहेगा। दोस्तों, जानकारियों से अगर आप सहमत हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।